हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड हीलिंग। और देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टैरो में कहीं फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बात करता है। किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे अप एंड डाउन या फिर इन एंड आउट भी होने की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट मसले, डिफरेंट इश्यूज रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक बैलेंस किसी भी दो चीज़ों में लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें इस वीक कर रहे हैं, पीछे आप मैनेज कर पा रहे थे, इस वीक आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और कहीं आप एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका माइंड दो चीज़ों में इन एंड आउट हो रहा है, या फिर अगेन मैं कहूँगी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी कि ये कार्ड फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बात करता है, जिसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी भी किसी लेवल पे इस वीक रह सकती है। लेकिन देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो वीकली रीडिंग में बड़े मसले, बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, तो इन चीज़ों को हम ठीक भी कर पाते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए हीलिंग का कार्ड कहता है कि पुरानी कोई चीज़, हो सकता है कि आपको हर्ट करी थी या फिर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर परेशान हुए थे और आपने माइंड के एक कोने में उसको दबा दिया था, वो कहीं इस वीक सरफेस हो रही है। और उसी की वजह से देखिए, आप थोड़ा सा, अगेन मैं कहूँगी, परेशान हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक हीलिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर एक हीलिंग आपकी हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज, कि आगे बढ़ने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पुरानी चीज़ों को हम हील कर लें। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, फिजिकल लेवल पे जो भी इश्यूज, मसले होते हैं, हम उनको देख पाते हैं और इसीलिए शायद हम उनको करेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं कहूँगी हील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेंटली, इमोशनली जो भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम उनको देख नहीं पाते हैं, तो हम उनकी हीलिंग पे भी इतना फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, कोई इंसान चल रहे हैं, चलते चलते गिर गए, उनके पैर में चोट लग गई, तो उनको पता होता है कि इस कंडीशन में अगर उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया या फिर ज़्यादा चले या तेज़ चले, तो उनको आगे जाके मसले और इश्यूज़ हो सकते हैं। और उनको अगेन ये भी पता होता है, जब तक उनकी ये चोट ठीक नहीं होती है, उनको थोड़ा सा चलने फिरने में ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेंटली, इमोशनली जब हम हर्ट होते हैं, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी हम नहीं देख पाते हैं, तो उनको इतना या फिर उनकी हीलिंग पे इतना हम फोकस नहीं करते हैं। और यहाँ पे इस वीक के कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है कि जो भी इश्यूज आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रहे हैं, उनकी हीलिंग पे आप ज़रूर फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वांड्स, रिवर्स एंड शेयरिंग के कार्ड्स हैं। और देखिए, शेयरिंग का कार्ड, जैसे कि नाम कहता है, किसी चीज़ को लेकर शेयर करने की बात करता है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे ये शेयरिंग सबके लिए रेफर कर सकती है।
कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर आप अपने लव्ड वंस के साथ, क्लोज वंस के साथ अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि यू नो आप कोई बात उनको बताना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना लव, प्यार, मोहब्बत शेयर करना चाह रहे हैं। और देखिए, फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ओवरऑल आप जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्शंस करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल पे नाइन ऑफ वांड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर या फिर अदरवाइज भी आप कहीं गिव अप भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको उस तरीके का आउटकम नहीं मिला। और कुछ जिमिनीज लिटरली अपने आप को कह सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया और हिम्मत नहीं है और एफर्ट करने की या फिर और एक्शन इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में लेने की। तो यहाँ पे देखिए जिमिनीज, मैं आपको यही कहूँगी कि 9 नंबर टैरो और न्यूमरोलॉजी में लास्ट नंबर होता है, और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आप अपने मंजिल के, आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। आप एक फाइनल एफर्ट करेंगे और आप अपनी मंजिल, अपने गोल को पालेंगे। एंड देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि ये समय नहीं है कि आप गिव अप करें, आप कंटिन्यू करते रहें अपने एफर्ट्स के साथ, आपको डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए आंसरिंग द कॉल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है द टाइम इज़ नाउ। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। पर्सनल फ्रंट में हमने देखा आप गिव अप कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि अभी ही समय है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको परस्यू करने का। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।